दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक और नई वैकेंसी की जानकारी की। दोस्तों वैकेंसी जो निकल रही है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, ये वैकेंसी निकल रही है और वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो 13 नवंबर को नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ है हाई कोर्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी निकल रही है उसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड। तो ये पद का नाम रहेगा स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की ये वैकेंसी है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले दोस्तों डेट देख सकते हैं, 16 नवंबर से इसके स्टार्ट होंगे। यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं आप 27 नवंबर तक, और आप फीस का भुगतान यानी कि जो आवेदन शुल्क है उसका भुगतान कर सकते हैं 30 नवंबर तक। तो ये डेट रहने वाली है 27 नवंबर, लास्ट डेट है इसकी। अब योग्यता क्या रहेगी, तो योग्यता यहाँ पर रहेगी दोस्तों आप ग्रेजुएट 10+2 पास होने चाहिए यानी कि 12वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कैंडिडेट शुड पोसेस ए डिप्लोमा, डिप्लोमा या डिग्री या ITI या पॉलिटेक्निक होने चाहिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी में। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफी का आपके पास कोई ना कोई प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो ये योग्यता हो गई 12वीं पास प्लस में स्टेनो का आपको ज्ञान। अब यहाँ पर दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। तो यहाँ पर आपको आसाम स्टेट की जो भाषा है असमिया वो आनी चाहिए, ठीक है, वैसे आप आवेदन कर सकते हैं। अब एज लिमिट दी गई है, तो एज लिमिट देख सकते हैं आप, ये मिनिमम एज 18 वर्ष रहेगी और मैक्सिमम एज आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग दर्शाई गई है। तो ये मैक्सिमम एज रहेगी। अब उससे पहले आप वेतनमान देख सकते हैं, वेतनमान इसमें कितना मिलेगा, तो वेतनमान यहाँ पे 14,000 से 49,000 के मध्य मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 75 यानी कि 75 वैकेंसी आपको इसमें मिल रही है। अब इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया कि सिलेक्शन के किस प्रकार से इसमें लिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। स्टेनोग्राफी टेस्ट में आपकी चार चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। तो यहाँ देख सकते हैं कि चार चीज़ों के लिए मार्क्स और ड्यूरेशन, ठीक है, 2 मिनट्स का होगा वो यूर टेस्ट बिफोर डिस्कशन 2 मिनट का। यहाँ पर आपको स्पीड टेस्ट आपकी होगी 100 मार्क्स का, और यहाँ पर आपका आएगा टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर, ये 3 मिनट आपको दिए जाएंगे, और ट्रांसक्रिप्शन आपको दिया जाएगा कंप्यूटर वो आपका 25 मिनट को। अब इसमें रिटन टेस्ट आएगा, तो रिटन टेस्ट में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और असमी भाषा का होगा। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसके लिए आपको 70 नंबर का ये पेपर रहने वाला। अब तीसरा यहाँ पे स्टेज होगा वो 1/3 यानी कि 1:3, एक सीट की तुलना में 3 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और उनका इंटरव्यू होगा, वो होगा आपका 10 नंबर का। तो 3 स्टेप के अंतर्गत आप सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इसमें आपकी फीस क्या लगेगी, तो एप्लीकेशन फीस भी दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप SC ST के लिए लगेगी 150 रुपये, बाकी जो कैटेगरीज बची हैं उनके लिए 300 रुपये। तो ये फीस का प्रोसीजर है, और बिल्कुल इसमें आवेदन कर दें, ऑल इंडिया वैकेंसी है, अगर आप असमी भाषा का आपको ज्ञान है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल मिलेगी, आप उसे जा कर के डाउनलोड करें, इसे पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस जानकारी को शेयर भी करें। जय हिंद जय भारत।